मुसर के बाज़ारे हदीसें पा के रसूल अल्ला वसलम ने फरमाया हदीस नंबर तीन हज़ार छः सौ छब्बी उग आलिमन आलिम बन जाओ इलम दिया बड़िया बरकता तो ने इलम की वजह तो अल्लाह का अल्लाह के रसूल का कुरब मिलता है अल्लाह तुरान ने पाक फरमा इन माँ यक्षसमिन इबादा अल्हे बंदों सही मान्या अल्लाह को जो डर ने लामाए हक ने आलिम आँदे ही उन्होंने जोड़ा बाअमल हों अल्लाह को डर अल्ह के अहकामात की पैरवी करता है ही आलिम है बाकी अगर लिबादा उड़े है काम कोई भी नहीं तो बस ना इस्तेमाल कर रहा आलिम सूफी दरवेश पीर फकीर तरीकत जो जो लफ्ज भी इस्तेमाल किते जाते हैं इक्ो ही मतलब है वह बंदा जड़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन इलम रखता है अमल करता है उ बंद अल्लाह तला बारगाह मकबूल है वही आलिम है फरमाया अगर आलिम नहीं बन सकते तो आओ मु तालिमान तलब इलम बन जाओ तालब इलम दि शान की है कि पैरों के थले फरिश्ते पर बिछाते हैं तो अगर फरमाया कि तालब इलम बनने का भी मौका नहीं मिले मुस्तामी सुन लिया करो जुमे तो आओ सुनो नमाजा तो बाद दरसे कुरान दरसे हदीस सुन सुनो या उन मौका मिल जाए जो भी बह के सुनो वो बरकत की है तो अकीदा अमल मजबूत रहेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुहब्बत उजागर होंगी रहेगी तो फरमाया सुनो अगर सुन भी नहीं सकते बाजू का तो मौका नहीं मिलता आओ मुहिबन जिथे भी हो डेरे ते हो कार हो दुकान ते हो सफर एच जिथे भी मसरूफ हो आओ मुहिबन ओला माँ नाल ओला माँ सामयन नाल करो प्यार करो शफकत करो ये मुहब्बत शफकत तो अल्लाह के करीब कर देगी ਪੰਜਵਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਚਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੇ ਫਤਿਹ ਹਲਾਕਾ ਬਗਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ